हरित प्रणाम। आप सबको नववर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 के लिए मेरा एक सपना है, वो मैं आपसे साझा करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि इस सपने को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। वो सपना ये है कि अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने ये बेरी है और इस बेरी के ऊपर इस तरह से ये बड़े बड़े बेर लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जो पूरी बेरी है इस तरह से आप देखिए, इसके ऊपर खूब संख्या में ये इस तरह से बड़े बड़े खूब बड़े बेर इस पे इस तरह से लगे हुए हैं। ये जो बेरों से लकदक बेरी है ये मूलतः जाड़ बेरी है, जिसके ऊपर नवंबर के महीने में छोटे छोटे लाल रंग के बेर आते हैं। राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसको पाले वाली झाड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो पशुओं के काम में आते हैं, पशु चारे में, और उसे पाला कहते हैं। इस बेरी के ऊपर थाई एप्पल या दूसरी जो वैरायटी या सुपीरियर वैरायटी, उनकी इन सीटू बडिंग करके और हम बड़े बेर ले सकते हैं बिना सिंचाई के। दूसरा, उसके पत्ते होते हैं उनका साइज भी बड़ा हो जाता है। जैसे इस बेरी के पत्तों की अगर अपन बात करें तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। एक पत्ता अगर मैं तोड़ूं और आपको दिखाऊं तो ये इतना बड़ा पत्ता है, जबकि ये मूल जब झाड़ी थी तो इसके पत्ते बिल्कुल इतने छोटे छोटे थे, और इनको सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जो झाड़ी होती है जीजीफस न्यूमुलेरिया मरुस्थली झाड़ी, उसको हम पानी नहीं देते हैं, वो प्राकृतिक अवस्था में रहती है, मरुस्थल का नेटिव प्लांट है। और जब उस पर हम इन सीटू बडिंग करते हैं तो उसके बाद भी पानी की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार हम हमारे पशुओं के लिए चारा है उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और ये फल ले सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। इनको अभी ये कच्चे हैं, थोड़े दिनों में पूरे पके, जब ये पक जाएंगे तो पके फल इसके, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हल्का पीलापन आ जाएगा रंग में, और बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नॉर्मल जो थाई एप्पल होता है उसके मुकाबले ये ज़्यादा जूसी भी हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है इन सीटू बडिंग का वो ये है कि हम अगर कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी पौधे का रोपण करते हैं, तो भले ही वो खेजड़ी और बेरी ही भी क्यों न हो, जब रोपण करेंगे तो उसको पानी चाहिएगा एक निश्चित समय तक। पर अगर मूल स्थान पे उगा हुआ वहीं उस पर हमने बडिंग कर दी तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। और अभी पीछे अक्टूबर 2018 में जो स्वास्थ्य के संबंध में भारत के विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भारत में चार ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक रूप में कुपोषित है, अगर बाल कुपोषण की दृष्टि से देखें तो, वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और राजस्थान। तो हमारा जो राजस्थान प्रदेश है वो इस कुपोषण से निकले बाहर, इसका एक जरिया ये झाड़बेरी हो सकती है। इसके ऊपर जो फल है ये काफ़ी पौष्टिक है, तो हम अगर जितनी हमारे आसपास में झाड़बेरियां हैं उन सब में से एक हिस्सा, अगर 1% झाड़बेरियों को भी बडिंग के द्वारा सुपीरियर वैरायटी में तब्दील कर दें तो हमारे पास में इतने प्रचुर बेर होंगे कि हमें खाने के बाद में पशुओं को खिलाने पड़ेंगे, हमसे सारे खाए नहीं जाएंगे। और ये झाड़बेरी राजस्थान ही नहीं, हमारे भारत के बहुत बड़े भूभाग पर, मैं यहाँ से बिहार जा चुका हूँ, वहाँ देख चुका हूँ, छत्तीसगढ़ में देख चुका हूँ, महाराष्ट्र में देख चुका हूँ, यूपी में देख चुका हूँ, झारखंड में देख चुका हूँ, एक बहुत बड़े भूभाग पर इस तरह से सड़क के किनारे हमें झाड़ियाँ नज़र आएंगी। उन झाड़ियों को हम सुपीरियर वैरायटी में तब्दील करके और बहुत ही पोषक जो फल है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फल, ये फल हम बिना किसी खर्चे के हासिल कर सकते हैं, और ये कुपोषण की जो जंग है उसमें मददगार हो सकता है। क्योंकि सिर्फ बात राजस्थान की ही नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक में भारत की स्थिति बहुत ख़राब है, और हमारे जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं वो बेहद कुपोषित है। तो ये भी एक तरह का देश प्रेम है, जब हम हमारी जो पूरी आबादी है, जो हमारा भविष्य है भारत का, उसके लिए सोचें और थोड़ा कदम बढ़ाएं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप एक तो ये मेरा जो पेज है पर्यावरण पाठशाला, इस वीडियो को देखने के बाद में आप इस पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें, क्योंकि इस पेज का जो मकसद है वो यही है कि मैं पर्यावरण और जलवायु शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं उनको यहाँ पर साझा करता हूँ। तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो लोगों में जागरूकता आएगी और वो अपने हिस्से का एक्शन करेंगे। दूसरा, आप, मैं अभी मार्च में इसके ऊपर नई बडिंग की शुरुआत होगी, पीछे मैंने सितंबर में एक वीडियो अपलोड किया था, उसको लाखों की संख्या में लोगों ने देखा था। मार्च में मैं फिर से इन सीटू बडिंग कैसे करते हैं इसका एक वीडियो बना के डालूंगा, तो वो वीडियो आप देखें,
और उसको शेयर करें, और उस तकनीक को वीडियो में इतने मैं आसानी से उसको बताऊंगा, और बहुत आसान तरीका है, आप उसको समझ जाएंगे, तो उस तकनीक को फिर आप अप्लाई करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। यही जरिया है जिसके माध्यम से मैं एक जगह खड़ा खड़ा सोशल मीडिया के थ्रू आप सब तक मेरी बात और जो तरीका है वो पहुँचा सकता हूँ, अदरवाइज़ ये संभव नहीं है। अब हम कुछ दूसरी झाड़ियों के पास भी चलेंगे और आपको बताऊँगा कि ये सिर्फ एक झाड़ी नहीं है, कई झाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो इस तरह से हमने तैयार की है, और बहुत सारे किसान हैं वो अब आगे कर रहे हैं, जो फिजिकली यहाँ आकर के सीख के जाते हैं, कुछ लोग हैं जो पहले से भी ये कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें, और मेरा सपना है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि भारत के हर हिस्से में जहाँ पे झाड़ बेरियाँ हैं वो इस तरह से फलों से लकदक हो 2020 में। तो हम अगर मार्च 2020 में इन पर बडिंग करते हैं तो अगले साल जो आगे महीना आएगा अक्टूबर नवम्बर का, उसमें इस तरह से इनके ऊपर बेर लग जाएंगे। पहले साल थोड़े कम लगेंगे और 21 में खूब भरपूर बेर लगेंगे। तो इस सपने को आप इस तरह से पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस मेरे जो पेज है इस पेज को लाइक करेंगे और इस वीडियो को और भाइयों के साथ में साझा भी करेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अकेले का अभियान नहीं है, हम सब का अभियान, और हम सब के सहयोग से ही हम जो भारत में भुखमरी की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलन में भी अपने हिस्से का योगदान दे सकते हैं। अब हम दूसरी झाड़ी के पास चलते हैं, ठीक है। ये